हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो यार आप लोग मुझे बहुत सारी स्टोरीज नॉवल बताते हो, बट वही एक साथ इन सबको सुनना और पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप लोग को फटाफट से मिल जाए, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो आप लोग को बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना ताकि फटाफट से जो नोटिफिकेशन है जैसे ही वीडियो आती है आप लोगों को मिल जाए। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ, जैसा आप लोग चाहते भाई, जुनून वाला इश्क चाहिए है। हाँ, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि भाई वो पोजेसिवनेस हो गई या फिर रूड और बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही तरीके का बिहेवियर, जैसा कि आप लोग चाहते हैं इश्क या जुनून जैसी कोई स्टोरीज बता दी जाए। बट यार वो सेम, बिल्कुल सेम होना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं कुछ हद तक उससे रिलेटेड जो है स्टोरीज मुझे मिली हैं। तो आज जिस स्टोरी का मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो आप लोग को ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो आप लोग को रीड करना पड़ेगा, यानी कि वो एक नॉवल है। बट वो पॉकेट एफएम की नॉवल है, आप लोग जाके जो है देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आता है तो आप लोग इसको जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग जो है स्टोरी को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को जो स्टोरी का नाम है वो बता देती हूँ। तो जो स्टोरी का नाम है उसका नाम है पोजेसिव फॉर यू। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.2 और इसके अभी तक जितने चैप्टर्स आए हैं वो है 97। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है ग्रीशु, ठीक है। अब मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो विराज राठौड़, जिनकी एज जो है 31 दिखाई जाती है, और ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। और ये किसी को भी मारने में जो है वो एक्सपर्ट है, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये किसी की जान मिनटों में ले भी लें तो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इनके ऑपोजिट कैरेक्टर दिखाई जाती हैं फीमेल लीड, उनका नाम है प्रिया, जिनकी एज जो है वो 20 है, ठीक है। अब कहानी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये एक मतलब बदले से शुरुआत होती है, मतलब बदले और नफ़रत से, ठीक है। क्योंकि इस कहानी का मेन मोटिव ही यही था कि भाई देखो वो बदला लेने के लिए जो है वो ज़बरदस्ती उनको अपने साथ रखते हैं, ठीक है। वो बात अलग है, आगे जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं और क्या होता है, बट वो उन्हें लाए तो नफ़रत की वजह से थे, पर धीरे 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 वो उनसे जो है मतलब वो प्यार करने लग जाते हैं। मतलब जैसे उनको पता चलता है ना कि मेरे फादर की जो डेथ में जो है इनका इन्वॉल्वमेंट है, यानी प्रिया का, वैसे ही वो नफ़रत एक जुनून बन जाती है, पर वो पॉजेसिव लव हो जाता है। बट वो उसको जो है कन्फेस नहीं करते हैं कि भाई मैं जो है इन्हें पसंद करता हूँ, या फिर जो भी है वो एक तरीके से केयर भी करते हैं और दूसरी तरफ से उनको परेशान भी करते हैं, यानी टॉर्चर भी करते हैं। तो इस तरीके की जो ये कहानी है ना, ये अलग ही रुख लेके चलती है, ठीक है। और ये तो इसका कुछ इंट्रो था, बट ये बदले की कहानी, इनके फादर की मर्डर मिस्ट्री क्या थी और प्रिया की लाइफ की बात की जाए तो यार वो स्टार्टिंग से ही जो है मतलब बचपन से ही, एक तो उन्हें कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला, अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जो है उनके घर में रहती थी, उनके साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जाता था, उनको स्कूल भी नहीं भेजा गया, मतलब उनकी पढ़ाई जो है वो इनकम्प्लीट उन लोगों को करनी पड़ी, क्योंकि उनकी मॉम ने उनको ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बट उनकी जो बेटी थी खुद की, उनको उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की। जब तक जो प्रिया है उनके फादर थे तब तक तो ठीक था सब कुछ, बट उनके फादर की डेथ के बाद उनकी स्टेप मॉम ने उनको अच्छे से नहीं रखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रिया है वो ऑलरेडी देखो इन चीज़ों से निकलती है, और जब वो किसी ऐसे इंसान से मिलती है तो भी उसको क्या ही मिलता है अपनी लाइफ में। तो इस तरीके की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। हालांकि स्टार्टिंग में जब तक कि जो क्या नाम है इनका, विराज है, उनको नहीं पता होता कि भाई ये कौन है, तब तक वो उसे यूँ सोचते हैं यार ये तो मेरे साथ मतलब मैं इनसे शादी करूँगा टाइप्स, मतलब फीलिंग्स, हाँ। बट जब उन्हें पता चल जाता है कि ये उनकी बेटी है, मतलब इससे सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न थी सबसे बड़ी, उनको सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि ये जो है वो उनकी सगी बेटी है, उन्हें ये लगा था, उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनकी सौतेली माँ है, सीधी सी बात है। अब पूरी क्या मिस्ट्री थी इसके पीछे, इसके लिए तो आप लोगों को पूरी स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर जिस तरीके से जो विराज है वो उनको कंट्रोल करके रखते हैं, उनकी मर्ज़ी कभी पूछी नहीं गई है उनसे, तो यहाँ पे ना बहुत मतलब दुख होता है, जहाँ पे जब प्रिया के साथ जो भी कुछ हो रहा होता है उस टाइम पे विराज जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जब उनकी फैमिली उन्हें घर से बाहर निकाल देती है और वो चली जाती हैं, तो उसके बाद जिस तरीके से सिचुएशंस जो है वो टर्न आती हैं, और फिर ऊपर से विराज को उस टाइम पे पता चलता है कि प्रिया की जो आइडेंटिटी थी वो क्या था और उनके साथ क्या हुआ है, और ऊपर से उनका खुद का टॉर्चर जो उन्होंने खुद उसके साथ सलूक किया, उन सब चीज़ों को देखा जाए तो यार मतलब थोड़ा सा मतलब आप लोगों को खुद भी फील होगा यार क्यों। मैं जब ये स्टोरी जो है वो देखो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि गलत फहमी की वजह से मुझे तो समझ में नहीं आता, एक तो ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बट जो इनके आदमी होते हैं, जैसे कि ये लोग बोलते हैं भाई ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा असिस्टेंट है, और ये जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं, यार इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ख़राब होती है कि इनकी गलत फहमियाँ ही इतनी क्रिएट हो जाती हैं।
मतलब एक इंसान के बारे में वो निकालने को बोल रहे हैं और वो भी प्रॉपर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी नहीं कर पाते हैं, और उस आधी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो जज करते हैं, फिर वो उन्हें टॉर्चर करते हैं, और उस तरीके से फिर वो कहानी जो है वो आगे चल रही होती है ट्रैक पर। अब वो ट्रैक कहाँ जाके रुकेगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या है, एक न्यू एंट्री दिखा दी जाती है, वो भी माफिया लीडर की, ठीक है, जिनका नाम होता है राघव, और वो आते हैं, मतलब ये कह लो कि वो प्रिया को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। बट उनके अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो देखो सीधी सी बात है, विराज और राघव में से अगर हम किसी को चूज़ करना चाहें, बेशक वो माफिया में है या जो भी उनकी पर्सनालिटी है, बट जिस हिसाब से उन्होंने प्रिया को ट्रीट किया, कि जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों से उनको निकाला, हाँ वो उनको लेके प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें उनके मन की करने से रोक रहे हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि वो घर में बंद के रहे, एक तरीके से ज़िंदगी भर जो है वो नज़र बंद रहे, अपने घर में ही रहे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो जस्ट बिकॉज उन्हें लोग देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो घर से बाहर जाए, तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता ना, सीधी सी बात है। तो क्या होता है, एक इंसान ऐसा है जो तुम्हें घर में रह के जो है वो यूँ सोचता है कि मैं तुम्हें बचा कर रखूँगा संजो के, और यहाँ पर क्या है कि तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, एक तरफ आज़ादी है एक तरफ घुटन है, तो आज़ादी को ही चूज़ करेंगे ना हम, तो वही वाली चीज़ है। बट फिर भी जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई जाती है ना, अब कहानी में जो है वो मेन तो विराज और क्या बोलते हैं प्रिया ही हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे चल के चाहे वो जैसे भी हैं उनके हस्बैंड हैं, मतलब फोर्सफुली वो मैरिज भी होती है उनकी, ठीक है, तो जैसे भी हैं वो उनके हस्बैंड हैं, आगे चल के जो भी चीज़ें होंगी, एट द एंड उन्हें आना विराज के पास ही है, वो चीज़ ठीक है, बट फिर भी जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें ऐसे दिखाई गई ना, वहाँ पर राघव की सपोर्ट में मैं ज़्यादा चली गई। अब मुझे नहीं पता उनका कैरेक्टर अभी तक देखो पॉजिटिव ही है, आगे चल के क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या होता है वो तो हम पूरा नहीं बता सकते, बट हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि मतलब अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं, विराज को बेशक हर चीज़ का पछतावा है, बट वो मुझे नहीं लगता कि उनका जिस हिसाब से पोजेसिव नेचर है या फिर वो जिस तरीके से मतलब रूड हैं, और उस हिसाब से पता नहीं कि वो कैसे आगे चल के भी प्रिया को जो है वो खुद का स्टैंड लेने देंगे या नहीं देंगे, वो तो उसकी पढ़ाई के लिए ही नहीं मान रहे थे यार आगे कंटिन्यू करने के लिए, वो तो उनकी मम्मा ने बोला उनको कि नहीं बेटा इसका हक है टाइप्स, और उस वजह से उन्होंने सिर्फ, और फिर भी उनकी क्या डिमांड, गर्ल्स कॉलेज में जाएगी, तो ये चीज़ें होती हैं ना, अरे वो बाहर जा रही है तुम प्रोटेक्ट करो यार, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम कर सकते हो तो तुम करो, बट अलग ही सिचुएशन से दिखा दी, बट चलो कोई बात नहीं। बट स्टोरी की बात की जाए यार, कमाल की स्टोरी है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई कुछ अलग देखने को मिला यहाँ पर। अब लड़की जो है वो छुई मुई से जो है वो बहुत भोली है यार, बहुत भोली, जो भी उन्हें कुछ भी बोल दे वो शराफत से मान लेगी, उनकी सौतेली माँ है जो, वो जो भी बोलती हैं वो करती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि वो मेरी माँ है, ठीक है, बेशक सौतेली हैं बट वो उन्होंने अपनी जो सौतेली माँ, उनको माँ का दर्जा दे रखा है, तो वो इतनी भोली हैं, वो उनको कुछ भी बोलती हैं यार वो मान लेती हैं, तो ये तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी ना, और आगे अब देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बीच बीच में क्या था कि मैं मेरा ध्यान ना कुकू एफएम की स्टोरी जिसका नाम है तेरे मेरे दरमियाँ उस तरफ भी जा रहा था, मतलब वो ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो फोर्सफुली उनसे शादी करते हैं, और फिर जो क्या है मतलब शादी नहीं करते हैं, सॉरी शादी नहीं करते हैं, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती लेके आते हैं, फिर वो बदला लेते हैं टाइप्स ऐसा, बट बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम है, बट कहीं पॉइंट पर वो ट्रिगर होता है कि अगर आप लोगों ने अलग अलग तरीके की स्टोरीज सुनी है और वो आपके दिमाग में रहती हैं, तो फिर हो जाता है ऐसे ना कि मतलब भाई हाँ ये चीज़, क्योंकि कई ट्रैक्स तो ऐसे हो सकते हैं, स्टोरी सेम नहीं है बट ट्रैक्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको ट्रिगर करेंगे, हाँ स्टोरी में भी ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ें हैं, बट स्टोरी जो है वो डिफरेंट है, पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, बट हाँ किसी किसी पॉइंट पे आप लोगों को ट्रिगर करता है, क्योंकि ये तो हर स्टोरी के साथ है यार, अगर आप लोगों ने बहुत सारी सुन ली है ना, आप मेरी जैसी है, मैंने इतनी सारी स्टोरी सुन ली है, उनके रिव्यू शेयर कर दिए, तो मेरे दिमाग में अगर वो स्टोरीज है ना और मैं कोई और स्टोरी रीड कर रही हूँ, और या फिर अगर उसका एक पॉइंट भी कहीं पर भी ट्रिगर हुआ, तो मे बी मैं ये सोचूंगी हाँ यार मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है और वो वाली स्टोरी थी, तो ये चीज़ हो जाती है, बट स्टोरी जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट है, नहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं आप लोग सोचो कि यार मैंने ऐसे बोल दिया, नहीं, इट्स जस्ट कि मैं एक पॉइंट की बात कर रही थी, ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बट स्टोरी में ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। अब आगे चल के किस हिसाब से चीज़ें होती है, क्योंकि अब देखो विराज की भी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो 3 महीने से जो है प्रिया उनसे दूर थी, तो मतलब ऐसे एक छोटा सा लीप आ जाता है उसमें, तो आगे चल के क्या होता है और क्या नहीं, बस मैं तो ये चाहती हूँ देखो यार जो भी हो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, मैं अपना मैं मतलब प्रिया का टॉर्चर देख के ना मेरे को तो ये होता है बस, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वो किसके साथ है, बट वो हैप्पी होनी चाहिए बस,
कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो माँ बाप के साथ रह रही है या फिर बिजनेसमैन के साथ रह रही है, बस उनकी एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए क्योंकि वो उनका राइट है, ठीक है। जहाँ पर वो खुद के लिए बोल सके, यानी कोई उनको बोलने के लिए बोले ना भाई वो तुम्हारी पसंद जानना चाहे, वो चीज़ सबसे अच्छी है, ठीक है। ये ना हो कि क्या बोलते हैं कि भाई जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही तुझे खाना है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे तो रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, जहाँ वो खुलकर बोल सके वहाँ उन्हें उनको रहना चाहिए। और ये मैं प्रिया को लेकर नहीं, हर किसी को कह रही हूँ, भाई देखो अपनी अपनी लाइफ से अगर तुम किसी चीज़ को इन चीज़ों से रिलेट करते हो तो सीख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब जितना कई सारी स्टोरीज तो ऐसी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। अब वो आप लोग के ऊपर होता है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो तब तो चीज़ें अलग होती हैं, बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप कुछ सीखना भी चाहते हो तो आप अगर गौर से चीज़ों को देखते हो तो आपका आपका जो ओपिनियन होता है वो चीज़ों को लेकर बदलता है धीरे धीरे, तो वो चीज़ें हैं। बट एक बार जाके स्टोरी को रीड करने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर आप लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है तो आप लोग जाइएगा ज़रूर एक बार स्टोरी को रीड कर लीजिएगा। बाकी जो लिंक्स वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, ठीक है। स्टोरी मुझे पसंद आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप इस फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी आप लोग कमेंट करना ना भूलें स्टोरी को लेकर भी और मेरी वीडियो को लेकर भी, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।